R15 V4 R15 M का 2023 मॉडल कब तक मार्केट में आएगा, कैसे इस बाइक के अंदर में फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या इस बाइक के अंदर नए फीचर्स आ सकते हैं। बाइक अपनी सेगमेंट में वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मशीन है जिसकी माइलेज भी काफी ज्यादा अच्छी है और R15 V4 R15 M के ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइक के अंदर क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या इस बाइक के अंदर नए फीचर्स आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मेजर चेंज इस बाइक के अंदर में देखने को मिलेगा बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। R15 V4 R15 M के अंदर हमें एक न्यूली डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा जो कि 5 इंच का TFT कलर डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल होगा जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल देखने को मिलेंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफी हद तक यामा की R125 जो रिसेंटली ही यूरोपियन इंटरनेशनल टूलर मार्केट में लॉन्च हुई है उसके जैसा ही होगा। दोस्तों R15 V4 R15 M के ओवरऑल लुक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल उतना ज्यादा अपीलिंग नहीं है। लेकिन जो बाइक का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल आने वाला है उसके अंदर TFT कलर डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल आएगा जो ज्यादा अपीलिंग भी होगा, देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और साथ ही इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम फीचर भी देखने को मिलेगा जो करंटली R15 V4 R15 M के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर फीचर नहीं है। सो ये होने वाला है बाइक में एक सबसे बड़ा मेजर अपग्रेड, TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम फीचर। और सेकंड चेंज इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम का, यानी कि यामा की R15 जो इंटरनेशनल टू व्हीलर मार्केट यूरोपियन मार्केट के अंदर है उस बाइक के अंदर कुछ ऐसे कलर्स हैं जैसे कि ग्लोसी ब्लैक कलर, ऐसे कलर्स R15 V4 के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के अंदर भी आएंगे और साथ ही बाइक के अंदर न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों यामा अपनी बाइक्स को टाइम टू टाइम अपग्रेड करती रहती है और अभी R15 V4 R15 M को मार्केट में आए हुए एक साल से ज्यादा भी हो गया है। सो R15 V4 और R15 M की हाइप को बरकरार रखने के लिए और बाइक की सेल्स को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए यामा इस बाइक के एक नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को बहुत जल्द लेके आएगी। और थर्ड चेंज इस बाइक के अंदर हमें देखने को मिलेगा बाइक की बिल्ड क्वालिटी के अंदर। दोस्तों R15 V4 R15 M की बिल्ड क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि बाइक के अंदर जो फाइबर की क्वालिटी है, प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है एकदम। लेकिन बाइक का जो न्यू मॉडल आएगा उसके अंदर हमें फाइबर की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर देखने को मिल सकती है और यार फाइबर की क्वालिटी तो यामा को इस बाइक के अंदर थोड़ी सी इम्प्रूव करनी भी चाहिए क्योंकि कोई भी 2 लाख रुपए अगर किसी बाइक के ऊपर लगा रहा है तो उसमें बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी मिलनी चाहिए। दोस्तों पर्सनली मुझे R15 V4 R15 M के अंदर जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो बेसिकली इस बाइक के अंदर हमें 4 ही मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे जिसमें फर्स्ट है TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सेकंड है टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम फीचर, थर्ड है न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम और फोर्थ है फाइबर के पार्ट्स और प्लास्टिक के पार्ट्स की बिल्ड क्वालिटी। और दोस्तों करंटली यामा की R15 V4 का एक्सशोरूम प्राइस 1,79,000 से लेके 1,92,000 तक है, यानी कि बाइक का जो टॉप मॉडल है R15 M उसका एक्सशोरूम प्राइस 1,92,000 तक है और बाइक का ऑन रोड प्राइस करंटली 2,10,000 रुपए से लेके 2,25,000 रुपए तक है। लेकिन बाइक का जो न्यू मॉडल मार्केट में आएगा उसका प्राइस हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, बाइक का एक्सशोरूम प्राइस 3,000 से 5,000 रुपए के आसपास ज्यादा होगा। सो R15 V4 R15 M का जो न्यू मॉडल मार्केट में आएगा उसका एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस 1,85,000 के आसपास, जो बाइक का स्टैंडर्ड मॉडल होगा उसका एक्सशोरूम प्राइस 1,85,000 के आसपास होगा और बाइक का जो टॉप मॉडल आएगा उसका एक्सशोरूम प्राइस 1,95,000 के आसपास होगा। बाकी बाइक के अंदर कोई भी मैकेनिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम 155cc का लिक्विड कूल्ड इंजन होगा, इसकी पावर वही सेम होगी 18.4 PS और 14 Nm की टॉर्क आउटपुट होगी। बाइक की परफॉर्मेंस बिल्कुल वैसी देखने को मिलेगी जैसी करंट मॉडल की है और बाइक की माइलेज भी वही सेम होगी 45-50 KMPL के आसपास। बाइक के अंदर वही सेम LED हेडलाइट, LED DRLs, वहीं सेम फ्रंट लुक्स, साइड फेयरिंग और टेल सेक्शन देखने को मिलेगा और यामा इस बाइक के अंदर हैलोजन इंडिकेटर्स की जगह पे LED इंडिकेटर्स भी ऑफर कर सकती है। और साथ ही दोस्तों इस बाइक के अंदर हमें एक रिमोट की का सिस्टम भी देखने को मिल सकता है, यानी कि बाइक के जो एक स्टैंडर्ड की आती है उसकी जगह पे एक रिमोट की भी देखने को मिल सकती है। और फाइनली बात करते हैं कि यामा इस बाइक को कब तक मार्केट में लेके आने वाली है। तो दोस्तों R15 V4 R15 M का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल 2023 में आएगा, यामा इस बाइक को 2023 के स्टार्टिंग में भी लेके आ सकती है और 2023 के मिड में भी लेके आ सकती है। सो ये बाइक आपको मार्च से लेके मई के आसपास मार्केट में देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, क्विक शिफ्टर, जो अभी स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं वो सारे स्टैंडर्ड फीचर्स बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये थी सारी अपडेट यामा के R15 V4 R15 M के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल के बारे में। ये बाइक 2023 में मार्केट में आएगी जिसका एक्सशोरूम प्राइस 1,85,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप R15 V4 R15 M के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल का वेट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।